वेलकम बैक टू माय चैनल सुनाने शर्मा। आज कल लोग मेरे साथ चलें और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। वैसे मुझे खुद भी नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं भैया लेके जा रहे हैं, वहाँ हम चलते हैं। रास्ते में जो जो इंटरेस्टिंग चीजें आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:45 और आज हम लेट हो गए निकलने में क्योंकि गेस्ट आ गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन घूमना तो था ही। यहाँ पे इस टाइम मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा ठंडा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विंटर था। और स्काई तो बहुत ज्यादा सुंदर हो रहा है। अभी मैंने देखा कि वहाँ पे पिंक और ब्लू कलर हो रहे हैं। यहाँ पे कितनी ठंड है ना, बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पे आके एहसास हो रहा है कि दिसंबर या जनवरी की है। सही में मतलब ऐसा लग रहा है। अभी तो मम्मी बोल रही थी कि शॉल लेने की जरूरत थी, लेकिन हाँ सच में बहुत ठंड है यहाँ पे। अच्छा भी लग रहा है और अब धूप हो तब भी लोगों को दिक्कत, ठंड हो तब भी लोगों को दिक्कत। दिक्कत तो हर चीज से होती है, समझ रहे हो ना। जिनके लिए मैंने ये दिया है ना डायलॉग, वो खुद समझ जाए। दिक्कत किस चीज से नहीं होती, गर्मी सर्दी मतलब हर किसी से होती है। खुशी होते तो सबसे ज्यादा होती है। हमारी खुशी से भी अगर हम खुश होते तो वो दिक्कत होती है। सही बात है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए यार। खुश रहो, जो मर्जी करो, गलत मत करो, लेकिन अपना जो मन चाहे उसे करो। सही बात है, बिल्कुल। कितना सुंदर हो रहा है। down, wanna be gangster trying to play hard. Down, wanna be gangster trying to play hard. हमारे स्वामी सर्वानंद घाट, यहाँ पे घाट बहुत सारे हैं, तो ये घाट उनमें से एक है। और यहाँ बहुत सुंदर, अब वही है ना, हरिद्वार में आए और सुंदर वर्ड यूज ना करे तो अच्छा नहीं लगता। आज वेदर, स्काई, सब चीज़ें बहुत सुंदर लग रही हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि फाउंटेन कैसे वो चल रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाई हुई है। मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ भी गंगा जी है और मतलब अभी भी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ उनको देख के। तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बट यार सच में जन्नत है, जन्नत। देख सकते हैं लोग अब भी नहा रहे हैं, बस फाउंटेन अभी बंद हुआ है, अब डांस करेगा। सकते हैं यहाँ का द्वार भी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना बड़ा, इतना सुंदर। यहाँ पे हम घूम लिए हैं और यहाँ पे हमने बहुत अच्छा खासा फोटो शूट कर लिया है, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी फोटोज, तो वहाँ भी आप चेकआउट करना। यहाँ पे आया बहुत ही ज्यादा मजा। अब हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट वहाँ पे। अब हम आए हैं पवन धाम। ये है शीश मंदिर, मतलब शीश महल का मंदिर, शीशे का बना हुआ है पूरा। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर है, हर जगह शीशा है। ये जगह आपको जो भगवान जी मिलेंगे वो शीशे के अंदर ही मिलेंगे, आप देखिए। और जो पीछे का डेकोरेशन है वो सारा ही शीशे से बना हुआ है। यहाँ पे ना एक चीज फील हो रही है कि यहाँ का हर भगवान जी जो रखे हुए ना, हर भगवान जी वो जैसे बोल रहे हैं और हंस रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी वो चीज फील करना। हर भगवान जी ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हर चीज इस मंदिर में शीशा ही शीशा है, आप देख सकते हैं। देखिए ऊपर भी हर जगह बहुत खूबसूरती के साथ चीजें बनाई हुई है। वाओ, सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Another little wannabe. देखिए ये पास से तो और ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हर चीज़ पता नहीं किस चीज़ की है, समझ नहीं आ रहा। पूरा मिरर का है ये, देखिए पूरा मिरर और पूरी नक्काशी की हुई है। अच्छा ये वो है महाभारत का सीन, अर्जुन और कृष्ण जी का, आप देखें। Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Deep down. आप अंदर सब भगवान जी और बाहर ऐसी नकाशियां की हुई हैं। देखिए यहाँ पे भी मतलब बस मैं तो क्या ही बोलूँ, स्पीचलेस हो गई हूँ इस मंदिर में आके मैं। Deep down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. हर जगह शीशा ही शीशा, शीशा ही शीशा, हर जगह कि एक भगवान हमें हर जगह दिखे। कितना सुंदर है ना मम्मी, बहुत प्यारा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए ना हम, और आप आए ना वो पहले, आप फर्स्ट टाइम आए ना। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूं। हां, बहुत अच्छा।
ये पूरा ना मिरर मेज की तरह बनाया हुआ है, जैसे आजकल मॉल में भी होता है। पहली बार फर्स्ट टाइम हमने मंदिर में देखा है कि यहाँ भी मिरर मेज है। Another little wannabe gangster trying to play hard. Dang down. It is. ये है शीश महल वाला मंदिर, तो यहाँ पे जरूर आना अगर आप उत्तराखंड में आए तो। खैर यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे मोस्टली मंदिर हैं, लेकिन मंदिर भी मंदिर जैसे नहीं है। मंदिर तो वैसे अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है, बट ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा मंदिर हमने तो शायद कभी नहीं देखा ना, कि हर जगह शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। मतलब मंदिर है हमारे यहाँ पे दिल्ली में, जो मंदिर है उसमें सिर्फ एक रूम ऐसा है जो शीश महल है, या कान्हा जी की मूर्ति है वो चारों तरफ शीश महल ही है, लेकिन यहाँ पे तो पूरे मंदिर में ही शीशे ही शीशे सच में। और मतलब जो डेकोरेशन भी हुई थी वो भी शीशे है ना, नकाशियाँ बहुत अच्छी की हुई है यहाँ पे। तो चलो फिर सबके पास चलते हैं। गए हम उधर से थे, आए हैं इधर से, क्योंकि यहाँ से एग्जिट है। तो मेरे पीछे से आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत भगवान यहाँ पे हैं, और सारा मिरर से बना हुआ है। छोटी छोटी नकाशियाँ यहाँ पे मिरर की हैं, आप देख सकते हैं। तो वो तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, तो चलते हैं आप बाहर। तो गाइस इस वाले मंदिर से हम निकल चुके हैं, आप मुझे खुद नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ जाते हैं आपके साथ लेके चलते हैं। ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था। आप उत्तराखंड या हरिद्वार हैं तो शीश महल के मंदिर में ज़रूर आना, बहुत सुंदर नकाशियाँ की हुई है। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो हम आए श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा फॉरेस्ट लुक का बना रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे गुफाएं गुफाएं टाइप कुछ बना रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। Another little wannabe gangster trying to play hard. Dang down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ये समुद्र मंथन जब हुआ था उसकी नकाशियां बनाई हुई हैं, उसका पोस्टर बनाया हुआ है मूर्तियों के रूप में। वाओ, अब आगे जो आ रहा है वो गेस कीजिए कि क्या है। वो है गोवर्धन पर्वत वाला सीन, वो मैं आपको दिखाती हूँ। Another little wannabe gangster trying to play hard. Actually guys, ये एक नॉर्मल मंदिर नहीं है, यहाँ पे टिकट्स लगती हैं, यहाँ अंदर गुफा होती है। आई थिंक ये बंद हो चुका है। नहीं बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, हम अंदर जाएंगे, खुला है। तो और गाइज यहाँ की टिकट जस्ट ₹5 है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन वर्थ है। मैं आपको दिखाती हूँ गुफा के अंदर लेके चलूंगी, तो आप देखना कितना सुंदर। मम्मी ले रही है टिकट जो की सिर्फ ₹5 की है। Another little wannabe gangster trying to play hard. यहाँ पे है प्रवेश गुफा का, और बहुत ही मिनिमल सा है। पता नहीं कैमरा लाउड है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे जूते और चप्पल वो कह रहे कि उतार के जाना है, इंस्ट्रक्शंस है शूज उतार के जाना है, तो शूज उतार के जाएंगे। तो चलो चले। यहाँ से है एंट्रेंस झांकियों का प्रवेश द्वार। वाओ कितनी प्यारी गुफा है। ओ ये वो है वासुदेव और कन्हैया। Dang down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Dang down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. ज्यादा खूबसूरत चीज है ये है पूतना वध, ये है दुग्ध पान लीला, और यहाँ पे है माखन चोरी लीला, ये है कालिया नाग नाथन का। भाई जी पूरा रियल लग रहा है ना भाभी, रियल नहीं लग रहा जैसे बैठे हैं असली में। आजकल कहाँ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे पढ़ाइयाँ करें। वाह यहाँ पे, ओ वाह जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो हैरान हो गई कि लोग बैठे, एक बार को तो मैं हैरान हो गई लोग बैठे यहाँ पे। Dang down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Dang down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. मैं
बता रही हूँ एक बार को तो ना मैं थोड़ा सा डर गई थी कि रियल इंसान बैठे, लेकिन ये रियल नहीं है, बट बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसे हमारे अक्षरधाम में है दिल्ली में। Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. ये मंदिर क्या, हर मंदिर बहुत सुंदर होता है अपनी जगह, लेकिन मस्ट विजिट, मैं तो बार बार यही बोलूंगी, आए हैं तो मजा उठाएं मंदिर में आकर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बाहर जाके। गुफा वाला मंदिर है, नाम मैंने पहले मेंशन कर दिया था, यहाँ पे एक्चुअली फोन अलाउड नहीं है, बट मैंने फिर भी जो मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने बना लिया। तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज स्टे ट्यून टिल लास्ट, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप मिस ना करें। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, तो प्लीज सपोर्ट मी एंड एनकरेज मी। भाभी तो बहुत गौर से देख रही है कि चीजें हैं, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि नजर नहीं हट रही, समझने में भी ना बहुत टाइम लग रहा है। गाइस यहाँ पे गुफा होती है एंड, तो बाहर चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाहर। इस मंदिर से हम निकल रहे हैं, यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, अब हम आए वैद्यनाथ मंदिर, दिखाती हूँ आपको। ये मंदिर हो चुका है अभी बंद, और यहाँ पे बाहर से ही दर्शन कर लिए हमने, तो आप लोगों को भी बाहर से ही दर्शन करने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम दोबारा किसी दिन देख लेंगे। ये मंदिर वैद्यनाथ वाला नहीं था, वो मैंने एक ही ज्योतिर्लिंग देख के आपको बता दिया, अभी तो बंद हो गया है। ये मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों का मंदिर, अंदर सब बना रखा है 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा पूरा मंदिर, तो अभी बंद हो चुका है, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। इतनी ज्यादा ठंड है कि लोग तो रेनकोट में घूम रहे हैं, और ठंड सच में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जनवरी चल रहा हो, बहुत ज्यादा। अब हम आए हैं यहाँ पे जैसे कि रात के बज रहे हैं 8:56, मतलब कि 9 ही बज गए हैं, तो भूख बहुत तेज लग रही है, तो चलो यार भूख लग रही है, चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो ऑर्डर कर रहे हैं, तो मैं तो खाऊंगी भाई खाना, ठीक है, मौसी के लिए मंगाना है कुछ स्नैक्स आइटम, वैसे ना कढ़ाई पनीर मंगा लेना मेरे लिए। तो गाइस यहाँ पे ना ये वाला जानवी डेल बहुत फेमस रेस्टोरेंट बैंक के बाहर भी है वैसे, लेकिन वो उस साइड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिखाती हूँ। Never little wanna be gangster trying to play hard. Order kiya, kya kiya bhabhi? Yari kuch nahi bolte, dekh rahe ho, inhone na Punjabiyon ki na hook up rakhi hai, dekh rahe ho? Ye bahut sharmili hai, theek hai, aur wo yahi hai bas. Humne mangaya kadhai paneer, dal makhni aur butter roti. Uske baad dekhte hain ki kuch man karta hai to fir wo mangaye. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. खाना हमने खा लिया, बस अब बिल आ रहा है, तो बिल करके भाभी और मैं जा रहे हैं सबके पास, बिलिंग हमने कर दी है, तो सब आ रहे हैं पीछे, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि आज के लिए इतना घूम लिए हैं, बस करते हैं क्योंकि थक गए हैं, तो चलो चलते हैं घर पे, मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट घर पे, तो बाय बाय। मैं घर पे आ गई हूँ, व्लॉग होते हैं यहाँ पे खत्म, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।